देखिए, आज की हमारी पहली कहानी शुरू होती है दो सूरज के जरिए। क्या कहते हैं, बड़े ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज नजर आएगी आपको। एक ऐसी कहानी नजर आएगी जो अभी तक आपने कभी जिंदगी में देखा है तो अलग वे भी देखा है, आज अलग वे भी देखेंगे। कहानी शुरू होती है नो सूनर से, और ये कहानी दो जगह आपको डाइवर्ट कर रही है, बहुत अच्छे मोड में डाइवर्ट कर रही है। देखिए किस तरह डाइवर्ट कर रही है, आप सेंटेंस को देखेंगे तो पता चलेगा कि नो सूनर किस तरह डाइवर्ट हुआ है। कहानी शुरू होती है नो सूनर से, यहाँ पर दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है, दो चीजों पर रोटेशन जा रहा है कि यदि हमारा वाक्य नो सूनर से शुरू होगा तो हमें क्या करना है, हमें कौन सा कंसंट्रेशन पॉइंट। नो सूनर का मतलब होगा जैसे ही, नो सूनर का मतलब होगा जैसे ही। यहाँ पर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज नजर आ रही है, नो सूनर के साथ क्या चीज नजर आ रही है वो देखिए आप। हेल्पिंग वर्ब पहले आ रही है और कंजक्शन क्या आएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कहानी। नो सूनर डिड द पुलिस एनगल्फ हिम ही बैरेज ऑफ बुलर्स। एनगल्फ का मतलब आपको पता है, चारों तरफ से घेरना, चारों तरफ से घेर लेना। बैरेज ऑफ बुलर्स का मतलब होता है गोलियों की बौछार करना, गोलियों की बौछार करना कहलाएगा बैरेज ऑफ बुलर्स, यानी लगातार गोलियां आ रही है। इस मदर आपको पता है, गला घोटना। क्राई फॉर हेल्प कॉमन वर्ड है। लिम्स का मतलब मैंने आपको बता ही दिया था, हाथ और पैर, हाथ और पैर को लिम्स कहते हैं, और पबिल होता है मुक्के से मारना, इसके भी वर्ड अच्छे आएंगे, मुक्का मारना पबिल कहलाता है। हाथ पैर से पिटाई करना कुछ और जाएगा, पबिल का मतलब कुछ और आएगा। तो देखिए आप, नो सूनर डिड द पुलिस एनगल्फ हिम ही बैरेज ऑफ बुलर्स, जैसे ही पुलिस ने उसको चारों तरफ से घेरा, वो आपका उसने गोलियों की बौछार कर दी थी। नो सूनर विल यू स्मदर हिम, जैसे तुम उसका गला घोटोगे वो आपका हेल्प के लिए चिल्लाएगा, सहायता के लिए चिल्लाएगा। नो सूनर हैड दे टाइड हिज लिम्स, जैसे ही वो उसका हाथ पैर बांधा था उन्होंने खाली जगह, ही पमेल्ड हिम रूथलेसली, उसने उसको बहुत बेरहमी से मुक्का मारा था। रूथलेसली आपका एडवर्ब है, बेरहमी से, रूथलेसली आपका एडवर्ब है बेरहमी से। क्लियर, कहानी में कुछ नजर आया आपको, कहानी क्या कहती है, बड़ी विशेष चीज नजर आई होगी आपको, बड़ा नोट करो क्या चीज है इसमें ऐसा जो स्पेशल ग्रामर का यू टर्न दे रही है। कंजक्शन क्या आएगा वो तो बाद की बात है, पहले ग्रामर ने एक बड़ा स्पेशल स्पेसिफिक रूल यूज किया है जो आज तक आपने कभी लाइफ में यूज नहीं किया है। क्या कहना चाहते हो बोलो, दोनों सेंटेंस हैं लेकिन कुछ ऐसी चीज है जो आज तक आपने लाइफ में आज तक अभी तक यूज नहीं की है, एक बड़ी स्पेशल चीज है। देखो इस सारे सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब पहले आ रही है, फिर भी वाक्य का अर्थ निगेटिव नहीं है। सब सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले आ रही है फिर भी वाक्य का अर्थ निगेटिव नहीं है, ये ग्रामर 6 जगह यूज करती है। आज वो आज हमारा डिस्कशन का पॉइंट नहीं है, ग्रामर 6 जगह यूज करती है जहां पर हेल्पिंग वर्ब को आप पहले लिखते हो फिर भी वाक्य का अर्थ निगेटिव नहीं होगा। हेल्पिंग वर्ब को आप पहले ले लेते हो, डिड को लिया, विल को लिया, हैड को लिया, ये तीन ही लेता, ज्यादातर वो लेता नहीं है। दो सूनर के साथ यदि आपका वाक्य शुरू हो गया तो दो ग्रामर के पॉइंट आपको रोटेशन में रखना है, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी जो भी टेंस आप लिखना चाह रहे हो लिख रहे हो, और वहां पर कंजक्शन देन आएगा, THEN, ये इंपॉर्टेंट कर लेना, ये क्वेश्चन वो बनाता है देन। यहां पर जो कहानी है नो सूनर और कंजक्शन की है, नो सूनर के साथ कंजक्शन क्या आएगा, पास्ट इंडेफिनेट में सेंटेंस लिखा डिड को पहले ले गया, फ्यूचर इंडेफिनेट में सेंटेंस लिखा विल को पहले ले गया, पास्ट परफेक्ट में सेंटेंस को लिखा हैड को पहले ले गया। इसको इन्वर्जन कहते हैं, ग्रामर का एक पार्ट है जो 7 कंडीशन में काम करता है। ग्रामर में 7 कंडीशन में आप हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखते हैं फिर भी वाक्य का जो अर्थ है वो निगेटिव नहीं होता है, अफर्मेटिव था, अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव ही रहेगा। तो नो सूनर से जैसे ही आपने कहानी शुरू की उसकी हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखना है, जो भी टेंस आप लिखना चाहते हैं, देखो विल लिखा, विल उधर नहीं आएगा, एक ही बार विल आएगा जो पहले आ गया नो सूनर के साथ। जैसे ही मैं कलकत्ता पहुंचूंगा आपको फोन करूंगा, नो सूनर विल आई रीच कलकत्ता आई इन्फॉर्म यू, देन आई इन्फॉर्म यू, वहां आई विल इन्फॉर्म नहीं आएगा क्योंकि विल को आप बाहर लगा चुके हैं। ये विल दोनों सेंटेंस के लिए काम करेगा, ये हैड दोनों सेंटेंसेस के लिए काम करेगा, ये डिड दोनों सेंटेंसेस के लिए काम करेगा। 12 टेंस है, 12 में से आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं, वो भी करवा सकता है, लेकिन जनरली सामान्यतया 99%
वो डिड विल और हैड को यूज करता है, ये उसकी एक मतलब दायरा है, एक एम्बिट है, उसके बाहर वो जाता नहीं है। डिड के साथ बी वन उधर बी टू, विल के साथ बी वन उधर भी बी वन, हेड के साथ बी थ्री उधर भी बी थ्री, ये कंसंट्रेशन पॉइंट आपको रखना है इस तरीके से। तो नो सूनर से यदि वाक्य शुरू होता है तो कंजक्शन देन आएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आए। क्लियर आज का पहला पॉइंट, इसको रोटेशन लिख दीजिए एक बार, ऐसे मैथमेटिकल और थ्योरेटिकल दोनों एक्सप्रेशन में नो सूनर आपसे क्या कहता है। देखिए किसी के चार भाई और आ रहे हैं, उसमें और उसमें थोड़ा सा फर्क है और कुछ नहीं। नो सूनर का हिंदी मतलब होगा जैसे ही, नो सूनर आपका कंजक्शन है, इसका हिंदी मतलब होगा जैसे ही, पहली बात। इसके बाद नो सूनर से वाक्य शुरू होगा, इसके बाद हमेशा, इसके बाद हमेशा टी एच ए एन देन आएगा, यानी जो दूसरा वाक्य कनेक्ट करेगा वो टी एच ए एन देन होगा, ये इसका दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। नो सूनर का हिंदी मतलब होगा जैसे ही, यदि आप नो सूनर से अपना वाक्य शुरू करते हैं, यदि नो सूनर से अपना वाक्य शुरू करते हैं तो आपको याद रखना है, नो सूनर से यदि आप अपना वाक्य शुरू करते हैं तो इसका हिंदी मतलब होगा जैसे ही, इसके बाद हमेशा देन आएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यदि नो सूनर से वाक्य शुरू करते हैं, नो सूनर से वाक्य शुरू हो गया, ये छोटे छोटे पॉइंट है लेकिन बहुत भारी पड़ते हैं, शुरू होता है तो हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखा जाएगा, सब्जेक्ट बाद में आएगा, जिस भी टेंस में आप लिख रहे हो उसकी हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखा जाएगा, और फिर भी वाक्य का अर्थ प्रश्नवाचक नहीं होगा, हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखा जाता है और वाक्य का अर्थ, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये भी चार पॉइंट में और आ रही है, वाक्य का अर्थ सकारात्मक ही रहता है, सकारात्मक ही होगा, उसको आप इंट्रोगेटरी नहीं करेंगे, सकारात्मक ही रहता है। नो सूनर में दो ग्रामर के पॉइंट, फर्स्ट इज हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी और सेकंड इज कंजक्शन देन आएगा। नो सूनर को देखते ही यहाँ पर अटैक करना है, मतलब की चीज में अटैक करना है, फालतू चीजों में अटैक करके टाइम वेस्टेज नहीं करना है। नो सूनर यदि वाक्य में आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, हेल्पिंग वर्ब जो भी टेंस आप लिख रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले, सब्जेक्ट से पहले, सब्जेक्ट से पहले, पहला पॉइंट, और दूसरा कंजक्शन देन, टी एच ए एन, इसके बाहर ग्रामर नहीं जाती, इससे बाहर ना तो देखना है ना सोचना है। नो सूनर से यदि आप अपना वाक्य शुरू करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब पहले, डिड लिखा, हैड लिखा और विल लिखा, यदि डिड लेता है जनरली, डिड पहले लिखता है तो पहले में वी वन, पहले वाक्य में, दूसरे में वी टू, यदि वो हैड को यूज करता है तो पहले में वी थ्री, दूसरे में भी वी थ्री, यदि वो विल को यूज करता है पहले में वी वन, दूसरे में भी वी वन, ये तीन से बाहर वो नहीं जाता है, लिखता ही वो तीन में है, क्वेश्चन ही वो तीन में बनाता है। हो सकता है कि नो सूनर के साथ आपको हाई हैड दे दे कि नो सूनर आई हैड, जब तक आपको रूल पता ही नहीं है आप उस पर अटैक करने की कैपेसिटी नहीं रखते हैं। आज का पहला पॉइंट नो सूनर के पास जाता है, आज का फर्स्ट पॉइंट नो सूनर से कवर हो रहा है, नो सूनर का हिंदी मतलब जैसे ही, क्या ग्रामेटिकल पावर है इसकी, यदि नो सूनर से आपका वाक्य शुरू होगा तो दो पॉइंट आपको कंसीडर करने हैं, पहला तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगी, पहला तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगी और दूसरा कंजक्शन देन आएगा। जैसे ही मैं आपको फोन करूंगा आप मेरा फोन उठा लेंगे, वैसे ही आप मेरा फोन उठा लेंगे जैसे ही मैं आपको फोन करूंगा। नो सूनर विल आई कॉल यू देन 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 यू पिक अप माय मोबाइल, दूसरे में विल लगाने की गलती नहीं करोगे। जैसे ही मैंने आपको फोन किया था वैसे ही आपने मेरा फोन उठा लिया था। नो सूनर हैड आई, नो सूनर हैड आई, नो सूनर हैड आई, आई हैड नहीं होगा, आई विल नहीं होगा, नो सूनर हैड आई कॉल्ड यू, रुक जाओ, देन सेकंड पोर्शन, देन देन यू पिक्ड अप माय मोबाइल, कुछ भी कर सकते हो। जैसे ही गुंडों ने मुझे छेड़ा वैसे ही मैंने थाने में एफआईआर दर्ज करवा दी थी। नो सूनर
डिड द हुलिगांस मलेस्ट बी? नो सुनर, डिड द हुलिगांस मलेस्ट बी? सेकेंड ग्रामर, देन आई लॉस्ट एन FIR विथ adjacent पुलिस स्टेशन. क्लियर पॉइंट एग्जाम. नो सुनर की कहानी के साथ इसके पड़ोस में रहते हैं चार भाई. वो चार भाई क्या कहते हैं एक बार उनसे भी बातचीत कर लेते हैं, फिर पांचों को एक साथ रोटेशन पर डालेंगे. वो चार भाई आपसे क्या उम्मीद करते हैं देखिए. आपने पहले पढ़ा है, नहीं पढ़ा, किस वे में पढ़ा है, अलग मैटर है. आज पहला पॉइंट जा रहा है नो सुनर के पास. इसको एक बार साइड में रख देते हैं, इसको रिविजन सेक्शन में वापस लेंगे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में. ये नो सुनर देखकर हमें कहां अटैक करना है देखते हैं. आइए दूसरा पॉइंट. कभी आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा, मुझे नहीं पता, देखते हैं. इसको इंपॉर्टेंट कर लेना अंडरलाइन को. ये भी ग्रामर का एक गजब पार्ट है. क्या उम्मीद करेगा, वक्त बताएगा. इंसिस्ट यानी आग्रह करना, किसी पे जोर डालना, कहते हैं नहीं इंसिस्ट करना है, लेकिन इसकी ग्रामर पावर वो आपको बता देता हूं अभी. आग्रह करना, किसी पे जोर डालना, इसकी भी ग्रामर पावर शानदार है. एक एक चीज से बन के ग्रामर बनती है, ऐसे 100 200 500 पेज की ग्रामर नहीं बनी है. कुछ तो सोचा होगा अगले ने, अब हम नहीं सोचते तो एक अलग मैटर है. हार्डली दूसरा वर्ड है, सेल्डम. कोई सा भी टेंस ले सकते हैं, टेंस की कोई मारामारी नहीं है. सेल्डम से वाक्य शुरू किया. ये कहानी दो जगह चलती है, ये जो दिख रही है ना कहानी तीन जगह चलती है, दो जगह भी नहीं. कैसे चलती है अभी मैं क्लियर कर देता हूं. चम बचपन के दोस्त, लगोटिया यार, चाइल्डहुड फ्रेंड्स को चम कहते हैं, फ्रेंड की जरूरत नहीं है. ट्रिक लाइक ए फिश आप डिस्कस कर चुके हैं काफी बार. बहुत शराब पीना, फिश रहती है पानी में, ये आदमी रहता है शराब में. ट्रिक लाइक ए फिश, बहुत ज्यादा शराब पीना. समथिंग इज फिशी, फिशी दाल में कुछ काला है. फिश आउट ऑफ ट्रबल्ड वाटर, घर किसी का जले, हाथ कोई और सेके. फिश आउट ऑफ वाटर, अनकंफर्टेबल पोजिशन, फिश को घुमा दिया दो सेकेंड के अंदर अंदर. आप कहानी चल रहे हैं नो सुनर के पड़ोसी के पास. शुरू करना या नए क्षेत्र में कदम रखना फोरे कहलाएगा. कंजेक्शन की डिमांड वो कर ही रहा है. दिमाग में मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जाने चाहिए. कलोजलोस का मतलब भारी नुकसान. पहले ये देखना है कि हमें क्या स्पेशल चीज नजर आ रही है जो आज तक हमने नहीं देखी है. फेस कलोजल लॉस इन मोरीबंड बिजनेस. मोरीबंड का मतलब होगा डूबता व्यापार. मोरीबंड बिजनेस का मतलब होगा डूबता व्यापार. डूबती हुई कल्चर हो सकती है, समाप्त प्राय जिसको कहते हैं, जैसे आपका हो गया किसी के पैर छूना, पगड़ी बांधना, या कोई भी हमारे एनिशेंट जो कल्चर थे वो मोरीबंड पोजिशन में है. कठपुतली का खेल मोरीबंड है, गिल्ली डंडे का खेल मोरीबंड है, खो खो का खेल मोरीबंड है, लगभग 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 खत्म है. वाय? क्योंकि मोबाइल और इंटरनेट से बच्चे चिपके रहते हैं. दे डोंट स्पेंड देयर टाइम ऑन आउटडोर गेम्स लाइक गिल्ली डंडा, खो खो, कबड्डी एसेट्रा एसेट्रा. हार्डली डज ही गो टू टेम्पल. सेंटेंस में समझना ग्रामर रोटेट कहाँ होगी, कहाँ हमें ग्रामर मिलने वाली या हम ग्रामर से कहाँ मिलने वाले हैं. साधारण तरीका, किताब लाओ, रटो. कौन सी किताब खरीदे, कोई सी किताब खरीद लो, सब बेकार है, वर्थलेस है. कोई किताबों में डेड नॉलेज है, डेड नॉलेज आपके लाइफ में काम नहीं आएगा, पढ़ के देख लो. यू सेड हेलो ग्रामर लिया, वो कितना पढ़ पाते हो, इतना पढ़कर आदमी पागल और हो जाता है. मतलब की चीज पढ़ो जो एग्जाम में आएगा, वर्थलेस चीज पढ़ने से कोई मतलब नहीं है. उसको तो अपनी किताब बेचती है इसलिए किताब की मोटाई बढ़ा देता है वो. तो कोई सा भी सब्जेक्ट हो, नोट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंग्लिश, आपका कोई सा भी सब्जेक्ट हो, दिमाग में इस तरह प्रिंट करो कि ग्राफ छप जाए हमेशा के लिए, एक पहचान छप जाए हमेशा के लिए. चाहो आप उसे भूलना तो भी नहीं भूल पाओ. मोरीबंड, MORIBUND, मोरीबंड बिजनेस, डूबता व्यापार, समाप्त प्राय व्यापार मोरीबंड कहलाएगा.
आज कठपुतली का खेल आपको और मेरे को देखे कई वर्षों हो गए होंगे, क्यों मोरीमंड है? जब से मोबाइल आया है काफी कुछ चीजें मोरीमंड हो गई, समाप्त प्राय है। फोटोग्राफी इंडस्ट्री मोरीमंड हो गई क्योंकि कैमरे में मोबाइल है, टॉर्च इंडस्ट्री मोरीमंड हो गई क्योंकि इसमें मोबाइल है। टॉर्च कितनी चला करती थी, आजकल को बाई टू रेयर खरीदता है, अदरवाइज टॉर्च की रिक्वायरमेंट का मोबाइल कर देता है वो काम। अंतरदेशीय और पोस्ट कार्ड मोरीमंड क्या खत्म ही हो गए, मैसेज आता है। आर चीज की गैलरी मोरीमंड हो गई, वो ग्रीटिंग कार्ड ही खत्म हो गए क्योंकि रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो एक सोच ने कितनी चीजों के साथ तबाह किया वही हमारी कहानी है। एक सोच पेपर को कितने मार्जिन तक तबाह कर सकती है वो वही हमें सोच लेके चलनी है। हार्डली डज ही गो टू टेम्पल, वो बड़ी मुश्किल से मंदिर जाता है। इस थिस्ट मदर, जब उसकी आस्तिक माँ, जब उसकी आस्तिक माँ उसको कहती है, जो डालती है, उस पर इंसिस्ट करती है, इंसिस्ट के साथ प्रपोजिशन ऑन आएगा, प्रिंट कर लेना। ये भी दो भाई हैं जो ग्रामर में अच्छा रोटेशन रखते हैं, इनकी बाद में बात करेंगे। हार्डली डज ही गो टू टेम्पल, वो बड़ी मुश्किल से मंदिर जाता है, जब उसकी आस्तिक माँ उस पर जोर डालती है। सेल्डम डू आई ड्रिंक लाइक ए फिश, मैं कभी कभार शराब पीता हूँ। माई चार्म इनसाइट मी, जब मेरे बचपन के दोस्त मुझे उकसाते हैं तब मैं शराब पीता हूँ, नहीं तो नहीं पीता। स्कार्सली हैड माई फादर फॉरेन इन बिजनेस, बड़ी मुश्किल से मेरे पापा ने एक नया व्यापार शुरू किया था। ही फेस्ड क्लोजर लॉस इन मोरीमंड बिजनेस, जब उन्होंने डूबते व्यापार में भारी नुकसान का सामना किया था। तो तीनों सेंटेंस आपसे एक ही चीज आ रही है, स्टार्टिंग करते हैं ये एक चीज से, सब्जेक्ट से पहले वर्ब है, यहाँ पर भी सब्जेक्ट से पहले वर्ब है, वाक्य अफर्मेटिव है। वही कहानी है जो नो सुनर से आपने सुनाई थी। नो सुनर कहता है एक जगह डिफरेंस है हमारा, एक कहानी सेम है, वो भी सब्जेक्ट पहले लेता है, ये भी सब्जेक्ट पहले लेता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डज ही, डू आई, हैड आई, विल ही, कुछ भी कर दो, जो भी आपका टेंस जा रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हेल्पिंग वर्ब आपकी पहले आ गई, पहले आ गई, पहले आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाक्य अफर्मेटिव था, अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव ही रहेगा, क्वेश्चन मार्क नहीं है। जबकि आम धारणा कहती है कि ये तो क्वेश्चन मार्क से होता नहीं है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब तो पहले है, आज तक यही सीखा है। नहीं, ग्रामर के साथ पॉइंट ऐसे आएंगे जहां पर हेल्पिंग वर्ब को आपको पहले रखना पड़ेगा। कैसे, मैं टेबल के नीचे डस्टर रख रहा हूं, मैं टेबल के नीचे डस्टर रख रहा हूं। अंडर द टेबल, सेंटेंस को ध्यान से सुना, अंडर द टेबल एम आई पुटिंग दिस डस्टर, टेबल के नीचे रखोगे आपको इनवर्जन यूज करना पड़ेगा। गेट के बाहर मैं अपनी गाड़ी पार्क कर रहा हूं, गेट के बाहर अपनी गाड़ी पार्क कर रहा हूं। आउटसाइड द गेट एम आई पार्किंग माई कार, दुनिया में छह जगह हैं जिनको यदि आपने पहले ले लिया तो आपको हेल्पिंग वर्ब को पहले बुलाना ही पड़ेगा, आपकी मजबूरी है। टेबल के नीचे, घाटी में, गेट से बाहर, कॉर्नर में, और पर्वत पर, और एक और है, छह जगह हैं जहां पर आपने बुला लिया तो इनवर्जन को रखना ही रखना पड़ेगा। बोले सर क्या फर्क पड़ता है, आज तक अंडर द टेबल लिखा ही हमने, लिखा होगा, ग्रामर अलाउ नहीं करती, और ग्रामर अलाउ नहीं करती है तो सफलता भी अलाउ नहीं करती है, सीधी सी कहानी है। क्वेश्चन कह रहा है कि साहब कंजक्शन दो, और तो कुछ देना नहीं है, कंजक्शन दीजिए। हार्डली डज ही गो टू टेम्पल, कंजक्शन आएगा वहन। सेल्डम डू आई ड्रिंक फिश, कंजक्शन आएगा वहन। स्कार्सली हैड माई फादर, कंजक्शन आएगा वहन, सीधी सी कहानी है। यहां पर आपको कंजक्शन बनना है, नो सूनर का पड़ोसी है, नो सूनर से एक ही कहानी डिफरेंस है कि यहां पर कंजक्शन में डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। नो सूनर कह रहा था कंजक्शन देन, पीएचए देन वाला देन, इनवर्जन मैं भी यूज करता हूँ, इनवर्जन ये भी यूज करता है। ये कहता है कंजक्शन वैन इनवर्जन, ये एक भाई है, बस इतना से, ये एक भाई है, ये चार भाई है। क्लियर, आइए इसकी कहानी, इसकी समरी, इसका शॉर्ट फॉर्म, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। चार भाई आपसे क्या चाहते हैं, फॉर्मूला लिख दिया हमने, फॉर्मूला लिख दिया हमने हमारी एनएसएस, एनएसएस जो नेशनल सोशल सर्विस होती है, हमारी एनएसएस क्या है, हमारी एनएसएस है हार्डली, हमारी एनएसएस है नेवर, मैं कभी स्कूल नहीं जाता जब मेरे पापा मुझे डांटते हैं, नेवर डू आई गो टू स्कूल व्हेन माय फादर स्कोल्ड मी, तब तो मैं बिल्कुल नहीं जाता। हार्डली नेवर स्कार्सली हमारी एनएसएस और सेल्डम, ये चार वर्ड से यदि वाक्य शुरू हो जाए, माइंडेड शुरू हो जाए, मैंने बीच में नहीं बोला है, बीच में एडवर्ब का रूल लेते हैं, वो अलग कहानी है। इन चार वर्ड से यदि वाक्य शुरू हो जाए, हार्डली का मतलब बड़ी मुश्किल से, नेगेटिव अर्थ है,
और इसके वाक्य में कभी नॉट नहीं आएगा, ये और बता देता हूं, नेवर कभी नहीं नेगेटिव अर्थ है, स्कार्सली बड़ी मुश्किल से नेगेटिव अर्थ है, और सेल्डम कभी कभार, ऑफनली का सिले में कभी कभार, सेल्डम डू आई ड्रिंक बूथ, सेल्डम आई गो टू टेम्पल, सेल्डम डू आई वॉच टीवी, मैं कभी कभार टीवी देखता हूँ, मूवी देखता हूँ। हमारी एनएसएस से आपका वाक्य शुरू हो जाए, किससे मुझे हमारी एनएसएस है क्या, हमारी एनएसएस से वाक्य शुरू हो जाए तो उसमें कभी भी आपका कंजक्शन मैन आएगा। ये कहानी से वाक्य शुरू हो, याद के शुरू हो, शुरू बोल रहा हूं मैं, बीच में नहीं आएगा, बीच में कहानी कहीं और जाएगी, कहीं सेक्टर ही दूसरा आएगा, गांव ही दूसरा आएगा। इन चारों से वाक्य शुरू हो तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लिखी जाएगी, ब्रैकेट में कर देना इनवर्जन, ताकि वर्ब पता रहे आपको। ऐसे तैयार जैसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा था, कंटिन्यू आंसर देंगे। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लिखी जाती है, यानी ब्रैकेट में कर देना इनवर्जन। आपने इनवर्जन वर्ड कभी लाइफ में नहीं सुना होगा, कितना यूजफुल वर्ड है इनवर्जन। इसीलिए कहते हैं थ्रू आउट नॉलेज होनी चाहिए, ऐसे कुछ भी कर दो एग्जाम दे रहे हैं, फॉर्मेलिटी कर दो, 50,000 लोग देंगे एग्जाम, तैयारी कितनी है वो दिल से पूछ लेना, आज से ठीक 28 दिन के बाद या 25 दिन बाद एग्जाम है, किसकी तैयारी है, अपने आप ही चेहरे के कॉन्फिडेंस से पता लग जाएगा कितनी तैयारी है। यदि वाक्य शुरू हो इन चारों वर्ड से तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले यानी इनवर्जन का यूज करना पड़ेगा, और दूसरा इसके बाद इनके बाद यानी सेकंड वाक्य में वहन WHEN का ही प्रयोग होगा। ये क्वेश्चन आपसे डेड सर्टेन 99% पूछेगा। कल मैंने कंजक्शन के शॉर्ट नोट्स भेजे थे, 10 समझ में आ गए, ऐसे में सारी ग्रामर को ब्रीफ कर दूंगा। समझ में आ गया एकदम, हेलो से बाहर नहीं जाना है, इस पे लिख लेना और चिपका लेना, ये काम थोड़ा सा करना आपको, A4 कागज लेना, उसको अपने लिखना ये रूल्स, और उसको पेस्ट कर लेना अपने स्टडी रूम में अपनी टेबल के सामने, ताकि ये आपके रोटेट होते रहे। आज का दूसरा रूल क्या कहता है कि यदि आपका वाक्य हार्डली नेवर स्कार्सली सेल्डम से शुरू हो तो आपको इनवर्जन का प्रयोग करना पड़ेगा, वहन का प्रयोग करना पड़ेगा, और कुछ नहीं देखना है। वाक्य शुरू हो, ये वर्डिंग थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वाक्य के बीच में आएगा तो कहानी एडवर्ब के पास जाएगी और वहां कुछ और परेशानी होगी, लेकिन आज वो डिस्कशन का पॉइंट नहीं है। आज हमारी एनएसएस से वाक्य शुरू हो तो आपका इनवर्जन आएगा, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, हमारी एनएसएस प्लस इनवर्जन। इनवर्जन का मतलब वर्ब पहले, इनवर्जन का मतलब है वर्ब सब्जेक्ट से पहले, एक एक चीज, मतलब जैसे आपसे कोई क्वेरी कर रहा हो सब्जेक्ट से पहले, तुक्का नहीं मारना है, होता होगा जितनी भी कोई वर्ड ही नहीं होता है, और कंजक्शन में है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल फॉर्मूला हमारी एनएसएस का। 5 पॉइंट क्लियर अभी तक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में, हार्डली नेवर स्कार्सली सेल्डम बड़ी मुश्किल से, नेवर कभी नहीं, स्कार्सली बड़ी मुश्किल से, सेल्डम कभी कभार, बड़ी मुश्किल से वो 2 फीट चला था, बड़ी मुश्किल से वो 2 फीट चला था, वैसे ही वो बेहोश हो गया, मतलब इतनी गर्मी थी कि बड़ी मुश्किल से वो 2 फीट चला था, वैसे ही वो बेहोश हो गया। स्कार्सली हैड, हार्डली हैड, ही वॉक्ड 2 फीट, वहन ही फेंटेड, वो बेहोश हो गया। हार्डली बड़ी मुश्किल से नेगेटिव एडवर्ब है, नेवर बड़ी मुश्किल से नेगेटिव एडवर्ब है, scarcely बड़ी मुश्किल से नेगेटिव एडवर्ब है, seldom आपका हाफ नेगेटिव एडवर्ब है, लेकिन नकारात्मक ये कभी कभार बोल रहा है, पॉजिटिव तो पूरा ये भी नहीं है। तो ये कहते हैं यदि हमारे वाक्य सबसे वाक्य शुरू कर लो आप, तो आप 2 चीजों का ध्यान रखोगे, पहला जा रहा है हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखोगे, बोले ये क्या कहानी है, बोले इसको इनवर्जन कहा जाता है, तो इनवर्जन का मतलब हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखने की प्रक्रिया इनवर्जन कहलाती है, मगर फिर भी वाक्य का अर्थ आपका प्रश्नवाचक नहीं होगा। जैसे बचपन ने सिखाया विल आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाऊंगा, कहानियां घूम गई। यहाँ पर जैसे आपने इन शर्तों का यूज किया, आपको हेल्पिंग वर्ब तो पहले है ही, लेकिन वाक्य का अर्थ सकारात्मक था। बोले कितनी कंडीशन है जो इनवर्जन को फॉलो करती है, बोले 7 कंडीशन है जो इनवर्जन को फॉलो करती है,
सात कंडीशन है जहां पर आपको हेल्पिंग वर्ब पहले लिखोगे फिर भी आप उसको इंट्रोगेटिव भी नहीं करोगे और वहां पर जो है प्रश्नवाचक नहीं आएगा, वहां पर आपका सकारात्मक वाक्यता सकारात्मक ही रहेगा। हमारी एनएसएस ने कहा, एक छोटा सा मैथमेटिकल फॉर्मूला, हमारी एनएसएस प्लस इन्वर्जन यानी सब्जेक्ट से पहले वर्ब, पहला काम, पहला पॉइंट, पहला जीपी और दूसरा कंजक्शन मैन आएगा, दूसरा ग्रामेटिकल का पॉइंट। किसी ने पूछा हमारी एनएसएस क्या है, हार्डली, नेवर, स्कार्सली, सेल्डम। जब आपने हमारी एनएसएस कर लिया तो एक कंपनी को डाल दो हमारी एचपीजी, ये ग्रामर में जाते हो दूसरी जगह रहा है लेकिन याद रह जाएगा हमारी एचपीजी, एचपीजी जो हमारी गैस की कंपनी है। एच फॉर हेल, एच फॉर हेवन यानी नर्क स्वर्ग, पी फॉर पार्लियामेंट और जी फॉर गॉड, ये जा रहे हैं आर्टिकल में। इन चारों से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। आठ नॉलेज तैयार हो गई आपकी, इन चारों से पहले कभी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। एक लड़की ने मेरे को कैसे भेजा, राजनीति का अपराधीकरण, उसने पार्लियामेंट के आगे चार बार दे लगा रखा था, चार बार, क्या ऐसे लिखोगे? मैंने कहा हो गया है तो ऐसे का पट्टा था, मेरी स्टूडेंट नहीं थी वो कोई और थी। पार्लियामेंट से पहले दे नहीं आएगा, गोड से पहले दे नहीं आएगा, हेवन से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा, हेल्थ से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। हमारी एनएसएस याद आए तो ये रूल याद करना है मैन वाला, और हमारी एचपीजी याद आए तो आर्टिकल के गांव में चले जाना। इनसे पहले जीरो आर्टिकल आएगा, हेल, हेवन, पार्लियामेंट और गोड से पहले कभी भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। हेल, हेवन, पार्लियामेंट और गोड से पहले कभी भी किसी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। हमारी एचपीजी चार क्वेश्चन, हमारा एनएसएस चार एक शब्द इसमें पूछेगा और चार उधर पूछेगा, 12 क्वेश्चन घुमा दिए। और यदि मैं इसको एडवर्ब में ले जाऊं तो चार क्वेश्चन और तैयार होंगे, 12 और 4 16 क्वेश्चन है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में। क्लियर हमारी एनएसएस? हमारी एनएसएस आज का दूसरा पॉइंट, हमारी एनएसएस ने कहा आज का दूसरा पॉइंट क्लियर। नो सूदर का पड़ोसी है, दोनों एक रूल में समान है, इन्वर्जन इसको भी चाहिए, इन्वर्जन इसको भी चाहिए, एक रूल में डिफरेंस है, इसको कंजक्शन देन चाहिए, इसको कंजक्शन वैन चाहिए। क्लियर? पॉइंट इज क्लियर? घर के लिए कुछ नहीं क्योंकि टाइम कम है, क्लास का क्लास में तैयार होगा, शॉर्ट नोट्स जितने भी होंगे ब्रीफ में मैं आपको पूरा इसकी समरी कर दूंगा ताकि एग्जाम से आधे घंटे पहले या 20 मिनट पहले रिवाइज कर ले। टारगेट है 15 आउट ऑफ 15, मैं फिर कह रहा हूँ टारगेट इज 15 आउट ऑफ 15, 14 भी नहीं चाहिए। 14 क्वेश्चन हो तो फिर कहीं पर अपनी गाड़ी यूटर्न लेगी, अपन को 15 आउट ऑफ 15 चाहिए मेंस में मुझसे तैयारी करनी है। तो आगे आते हैं एक और शानदार क्वेश्चन का जलजला, ग्रामर का एक जलजला। मैंने कहा, मैंने आपसे क्या कहा, क्लियर यहां तक? क्या हुआ, लाओगे 15? पक्का है ना? अरे आएंगे 15, हाथ जोड़ कर आएंगे, चिंता क्यों करते हो, हाथ और जोड़ेंगे फिर और आएंगे, ऐसे कोई मर्सी नहीं है, आपका सिलेक्शन का कोई दया नहीं है, आपका अधिकार है, दे भैया मेरे को सिलेक्शन दे, मर्सी किस चीज की, और गलत कर दे तो हाईकोर्ट में आ जाओ, रिट लगाएंगे। यदि हम सही है और अगला गलत है तो आ जाए भैया, है ऑप्शन है, ऐसी कोई बात नहीं है, कॉन्फिडेंस खुद पर होना चाहिए कि मैं सही हूं बाकी सब गलत है, लेकिन कब, जब आपको कॉन्फिडेंस हो नॉलेज का। जंगल के राजा से पूछा तू शेर क्यों है, बोले मैं मानता हूं इसलिए मैं शेर हूं, कोई तलाश से लकड़ने थोड़ी आया था, नहीं आया। आइए एक और कहानी लेके चलते, बहुत शानदार कहानी है, बहुत काम आएगी लिखने में, ऑब्जेक्टिव में, कैसे आई एम, मैंने आपसे कहा, मैंने दो सेंटेंस लिख दिया आपसे कि आई एम वॉचिंग मूवी, आई एम वॉचिंग अ मूवी, मैं फिल्म देख रहा हूं, आई एम वॉचिंग अ मूवी, ठीक है। और दूसरा मेरा क्या काम है, आई एम, दूसरा मैं चल रहा हूँ टीवी देखते हुए, मैं सब्जियां काट रहा हूँ या काट रही हूँ जो भी है, आई एम चॉपिंग ऑफ, दो काम कर रहा हूं मैं, चॉपिंग ऑफ वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स में एस आता है और आपका इसमें कभी फ्रूट में एस नहीं आता, जबकि कई सब्जी भंडार के आगे फ्रूट्स लिखा रहता है। ग्रामर को ग्रामर में फॉलो करना पड़ेगा, डियर का यानी हिरण का, फिश का, शिप का और फ्रूट का, इन चार का बहुवचन नहीं होता है, शिप्स नहीं होता है, फिशेस नहीं होता है, आपको बता दूं, आगे बात करेंगे ग्रामर अपनी पूरी ट्रिप पर घूमेगी तब। तो मैंने आपसे कहा आई एम वॉचिंग ए मूवी, पहला सेंटेंस लिखा, दूसरा सेंटेंस लिखा आई एम चॉपिंग ऑफ वेजिटेबल, मैं सब्जियां काटता हूँ। ग्रामर कहती है एक काम, एक करता दो काम एक साथ कर रहा है ना, क्यों कष्ट दे रहे हो दो सेंटेंस को, फिर भी मजा नहीं आ रहा है। ये दो सेंटेंस देखने में बड़ा अजीब सा लग रहा है, बड़ा अपसर लग रहा है, बड़ा प्रीपोस्टर लग रहा है। तो ग्रामर कहती है रूल उठा हुआ,
और इसको सेट करो यहां पर, एक कर्ता एक साथ दो काम करे, एक कर्ता एक साथ दो काम करे या करेगा या करना चाहिए या कर चुका है कुछ, वो टेंस की बात है, काल की बात है, हमारे करने की बात है। आई एम कह रहा है, इसको उठाओ ना फिर, बड़ा देखने में देखो कितना खूबसूरत लगता है। आई एम नॉट ओनली, आई एम नॉट ओनली वॉचिंग, आपका भाव भी आ गया, ग्रामर भी आपकी सशियत हो गई। आई एम नॉट ओनली वॉचिंग ए मूवी बट आल्सो नॉट ओनली के बाद हमेशा बट आल्सो आएगा, बट आल्सो दूसरा काम भी करवा लो, चॉपिंग ऑफ वेजिटेबल्स। एक करता एक साथ दो काम करे तो आपके पास नॉट ओनली बट आल्सो का ऑप्शन है। ये पड़ोसी है आइदर ओर और नाइदर डोर का, ये पड़ोसी है आइदर ओर और नाइदर डोर का, एक जगह डिफरेंस करेगा और एक जगह आपका कॉमन रहेगा। ग्रामर कहती है दो बात क्यों, एक करता दो काम कर रहा है ना, आई एम नॉट ओनली वॉचिंग ए मूवी बट आल्सो चॉपिंग ऑफ वेजिटेबल्स, मैं सब्जियां भी काट रहा हूं और टीवी भी देख रहा हूं, दो काम कर रहा हूं। एक करता एक साथ दो काम करे, एक साथ साइमल्टेनियसली, तो हमें नॉट ओनली बट आल्सो को बुलाना पड़ेगा। एक साथ एक करता दो काम करे तो नॉट ओनली बट आल्सो आएगा, बिल्कुल आएगा, नॉट ओनली के बाद हमेशा बट आल्सो आएगा। और जो कहानी नॉट ओनली के पास है वही कहानी आपका बट आल्सो के पास थोड़ी सी नाराज हो जाते हैं। ये कहानी इसके पास वर्ब है, जैसी वर्ब है वैसी वर्ब इसके पास होगी, ऐसा नहीं इसके पास वॉचिंग हो गया इसके पास चॉप हो गया, नो। इक्वल कहानी चलेगी, यदि नॉट ओनली के पास बी फोर है तो बट आल्सो भी बी फोर में ही आएगा, वो आगे बात करेंगे, क्वेश्चन में बात करेंगे, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। तो आज की हमारी तीसरी कहानी नॉट ओनली बट आल्सो के पास जाती है, कब जाती है, नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली डैश 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 बट आल्सो, इसका हिंदी अर्थ होगा केवल ये नहीं बल्कि वो भी, मैं सिर्फ पानी नहीं पी रहा हूं मैं खाना भी खा रहा हूं, केवल यही नहीं डैश 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 बल्कि वो भी, मैं केवल कृष्णा को ही जानता हूं मैं राम को भी जानता हूं, मैं कृष्ण राम की पूजा नहीं करता हूं मैं कृष्ण की भी पूजा करता हूं बल्कि वो भी। नॉट ओनली बट आल्सो पर कहानी जा रही है कब, कब जब एक करता एक साथ दो काम करे, यहां पर कहानी जब एक करता एक साथ, आइदर ओर में चॉइस थी एक करेगा ना आइदर ओर में दोनों से नहीं कर रहा है, यहां पर जब एक करता एक साथ दो काम करे, एक करता एक साथ दो काम करे तो क्या करना है, नॉट ओनली बट आल्सो वाक्य के आखिर में आएगा। ग्रामर की एक एक विधा लिखो आप तब आपके मार्क्स देखो, नहीं आए तो नॉट ओनली बट आल्सो, मैंने 50 मार्क्स में चले ले रखा है, 50 मार्क्स पर रिटर्न चले ले रखा है कि आ जाओ 50 मार्क्स का गेम खेल जाएंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है। नॉट ओनली बट आल्सो वाक्य के आखिर में आएगा, आप रोज पढ़ते हैं डेली और रोज अधूरे होते जाते, देखो ये भी नहीं आता था ये भी नहीं आता था, अरे आएगा कहां से, कभी किसी ने सिखाया ही नहीं, सिखाता तो प्रॉब्लम ही क्या थी। नॉट ओनली बट आल्सो वाक्य के आखिर में आएगा, कोई भी एक करता दो काम करेगा, करता है किया है, नॉट ओनली के बाद बट आल्सो आएगा, पहला क्वेश्चन बनाएगा और वाक्य के आखिर में आएगा, दूसरा काम करा है कब, जब एक करता एक साथ दो काम करे, करता एक ही है, कैसे, द पुलिस, पुलिस के साथ आपको पता है प्लूरल वर्ब आती है, द पुलिस हैव अरेस्टेड, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, अरेस्टेड राउंडेड अप डिटेन एप्रीहेंडेड कुछ भी, द पुलिस हैव अरेस्टेड किस किस को, नॉट ओनली ब्रिगेंड्स, नॉट ओनली बैंडिट्स, बैंडिट्स कहते हैं डाकू को, बैंडिट्स, बट आल्सो दो लोगों को गिरफ्तार किया है, बट आल्सो टेररिस्ट, वो ग्रामर क्या घूम रही है, टेररिस्ट्स।
पुलिस ने गिरफ्तार किया है किसको? केवल डाकुओं को ही नहीं बल्कि टेररिस्ट को भी गिरफ्तार किया है, दोनों को गिरफ्तार किया है। नो टोली बटाल सुखा युद्ध पुलिस एक करता है, बहुवचन वर्ब लेती है, कहानी शुरू होती है वहां पर। आप अलग अलग नहीं बोलोगे। द पुलिस हैव अरेस्टेड नॉट ओनली बैंडिट, उन्होंने पक्के मकान सॉरी आपके डाकुओं को गिरफ्तार नहीं किया है बल्कि जो आपके आतंकवादियों को भी गिरफ्तार किया है। कब? कहानी लागू होगी जब एक करता दो काम करेगा तब। नेक्स्ट देखिए एक और, नॉट ओनली बटास होगी कहानी लिखने में भी को बहुत काम आती है। दे विल रेस डाउन, रेस डाउन का मतलब होता है गिरा देना, दहा देना, गिराना। दे विल रेस डाउन क्या क्या? नॉट ओनली मड हाउसेस, नॉट ओनली मड हाउसेस, वो दोनों कच्चे मकान ही नहीं गिराएंगे वो, बट आल्सो, और क्या गिराना है वो भी देख लो। बट आल्सो ऐसा नहीं है कच्चे मकानों से उनकी दुश्मनी है, बट आल्सो पलेशल हाउसेस, बट हाउसेस वो कच्चे मकान ही नहीं गिराएंगे बल्कि कोठियां भी गिराएंगे। एक साथ दो काम, पलेशल, पलेशल यानी कोठियां, शाही मकान जो पोश एरिया में बनते हैं, पलेशल हाउसेस। कहानी को समझो उसके बाद आगे के लिए। और किताबों में डेड नॉलेज होती है और डेड नॉलेज हमेशा डेड रिजल्ट को पैदा करती है, इस बात को दिमाग कर लेना। नॉलेज जीवंत होनी चाहिए, कोई सी भी नॉलेज आपकी जीवित है, आग बरसाती हुई आ रही है, वही नॉलेज आपके समझ में आएगी। किताबों में नोट्स बना लो, नोट्स क्या करोगे, कौन सा अचार डाला है नोट्स का, कौन सी पीएचडी करनी है नोट्स से। इस तरह की थ्योरेटिकल नॉलेज जब जीडी होती है, ग्रुप डिस्कशन में आती है, तब चीज पल्ले पड़ती है, अदरवाइज तो करते रहो कुछ नहीं है। तो देखिए आपने नॉट ओनली बटासो का केवल यही नहीं बल्कि वो भी पहली कहानी है, पार्ट बी की कहानी भी बाकी है। द पुलिस हैव अरेस्टेड नॉट ओनली बैंडिट्स, पुलिस केवल डाकू को गिरफ्तार नहीं किया है, प्रेजेंट परफेक्ट है, पुलिस के साथ हैव आएगा, हैज नहीं आएगा, वॉच नहीं आएगा, हमेशा पुलिस प्लूरल वर्ब लेती है। आरबी में कुछ और कहानी आएगी, आरबी दोनों सेक्टर में जाती है, कभी वो सिंगुलर में जाएगी कभी प्लूरल में, बाद की कहानी है, लेकिन क्वेरी जिंदा रखना। पुलिस है अरेस्टेड, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया किस किस को? नॉट ओनली बैंडिट बट आल्सो टेररिस्ट, केवल डाकुओं को नहीं बल्कि आतंकवादियों को। एक कर्ता ने दो काम एक साथ किए, दो लोगों को अरेस्ट किया है, नॉट ओनली बट आल्सो को बुला लिया। दे विल रेज डाउन, वो गिरा देंगे, ढहा देंगे, डेमोलिश कर देंगे। नॉट ओनली बट हाउसेस, केवल कच्चे मकानों को ही नहीं बल्कि शाही मकानों को, कोठियों को भी गिराएंगे। कहानी घूम गई नॉट ओनली बट आल्सो के पास। क्लियर? एक करता एक साथ दो काम करे तो नॉट ओनली बट आल्सो को इस वे में देखेंगे, उल्टा, जस्ट रिवर्स, यानी दो करता एक साथ एक काम करे, कर रहे हैं, करेंगे तो कहानी कहाँ घूमेगी। ये कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी ज्यादा केस नंबर टू। केस नंबर टू में तीन दिशाएं पैदा होगी कल की तरह, केस नंबर टू है ये, यहाँ पर तीन पोजिशन पैदा होने वाली है, दो पोजिशन आपकी आइदर और नाइदर डोर से मिलती हुई है, एक जगह ये डिफरेंट मोड में जाएगा। कहाँ जाएगा अभी बात करते हैं। एक करता दो काम एक साथ करे तो क्या करना है, कैसे? राम इज गोइंग टू अजमेर, एक साथ जा रहे हैं दोनों, कल बोलते जाएंगे नहीं जाएंगे। दूसरा बी कहता है श्याम इज गोइंग टू अजमेर, वो भी अजमेर जा रहा है, वो भी अजमेर जा रहा है, दोनों को एक साथ ही भेज, दोनों क्यों अलग अलग भेजते हो? वाक्य की शुरुआत होगी नॉट ओनली से, नॉट ओनली राम बट आल्सो श्याम, एक साथ जा रहे हैं, एक ही बस में जा रहे हैं। बट आल्सो श्याम इज गोइंग टू अजमेर, एक कर दो करता एक साथ एक काम को करते हैं, करेंगे, करना चाहिए, कर चुके हैं, कर रहे हैं, वो टेंस की कहानी है, वो काल की कहानी है, वो वर्क की कहानी है, वो कहानी इंपॉर्टेंट नहीं है। पहला पॉइंट, नॉट ओनली राम बट आल्सो हिज फ्रेंड, वर्ब सिंगुलर लेगा, वर्ब कुछ भी करवा लो जो आपकी मर्जी है, वाच 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 पास्ट कंटिन्यूअस में ले गया मैं, वाच सेटिंग ए हाउस ऑन फायर, सेट ऑन फायर आग लगाना, ये भी ग्रामेटिकल का पॉइंट।
सेट ऑन फायर में फायर से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा, क्वेश्चन बनेगा आपका यहाँ पर जीरो आर्टिकल। सेट ऑन फायर का मतलब आग लगाना, खुद ब खुद आग लग जाए तो क्या वर्ड आएगा फ्रेंड्स, खुद ब खुद आग लग जाए तो किसी ने आग लगाएगी तो सेट ऑन फायर, और ऑटोमेटिक आग लग गई, ऑटोमेटिक ये क्वेश्चन भी बनने को तैयार बैठा है, ऑटोमेटिक आग लग गई तो वर्ड आएगा ब्रेक आउट, प्लस कर दो फायर, आग का लग जाना ये फ्रेजल वर्ब है, आग का लगना ब्रेकआउट कहलाएगा। ब्रेक की तीनों फॉर्म आपको पता ही है, ब्रेक हो गई ये सेकंड फॉर्म आती है ज्यादातर न्यूज पेपर में, ब्रोक हो गई ब्रोकन हो गई, ये न्यूज पेपर में ब्रेक आउट आएगी वो फ्रेजल वर्ब है, ये भी फ्रेजल वर्ब है, ये भी ग्रामर में रुतबा रखती है, वो भी ग्रामर में रुतबा रखती है, इसको लिख के रेक्टेंगल में बंद कर लेना, इसको लिख के रेक्टेंगल में बंद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट। ये जो आपकी किताबों की नॉलेज है ये कभी काम में नहीं आती है, इसको इस तरीके, अब आप फ्रेजल वर्ब पढ़ोगे, पढ़ ली ना फ्रेजल वर्ब ब्रेकआउट कर ली, इधर इसमें कहता है आर्टिकल में बनाएगा ये क्वेश्चन, वो फ्रेजल वर्ब में बनाएगा, क्वेश्चन कहाँ बनेगा वो मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ, बढ़ते कहाँ पर है क्वेश्चन, आपने कहा नॉट ओनली राम बट ऑल्सो हिज फ्रेंड वाज सेटिंग ही हाउस ऑन फायर, दूसरा आपने कहा कल वाली कहानी एक बार वापस कॉरोबोरेशन पे जा रही है, नॉट ओनली माई फ्रेंड्स, नॉट ओनली माई फ्रेंड्स बट ऑल्सो माई नेबर्स, टेंस कोई सा भी यूज कर लो जो भी आपकी इच्छा हो, लेकिन बहुवचन और सिंगुलर वहां पर वर्ब अवेलेबल होनी चाहिए। neighbors have banked on का सिमिलर वर्ड आपको पता है, relied on, believe के साथ in आएगा, bank के साथ on आएगा, rely के साथ on आएगा, banked on और relied on, hocus pocus जादू टोना, कई बार कर चुके हैं आप, टोना टोटका हॉकस पोकस कहलाएगा, बैंक ऑन और रिलाय ऑन भरोसा करना, नॉट ओनली माई फ्रेंड्स बट ऑल्सो माई नेबर्स हैव बैंक ऑन और रिलाय ऑन हॉकस पोकस, दिया गया सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में हैव, ग्रामर कंसेप्ट है नॉट ओनली बट ऑल्सो, कंजक्शन के साथ टेंस रोटेशन पे चल रहा है, टेंस का रोटेशन भी बराबर रखना, भूल मत जाना कि टेंस अलग कहानी है, टेंस यहीं से पैदा हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नॉट ओनली राम नॉट ओनली माई फ्रेंड्स बट ऑल्सो माई नेबर्स हैव बैंक्ड ऑन या रिलाइड ऑन हॉकस पोकस, एक कहानी सबसे इंपॉर्टेंट कहानी जहां पर आप कंफ्यूजन में आओगे, एट द सी हो जाओगे, इन पिकल हो जाओगे, इन डोलड्रम हो जाओगे, इन सूप हो जाओगे, बाइफर्केटेड हो जाओगे, किधर जाए किधर ना जाए, वो कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है जहां पर कंफ्यूजन स्वाभाविक है, मैं भी होता तो होता, आप भी होते तो होता, तो देखिए नॉट ओनली की तीसरी कहानी, मैंने कहा तीन केस पैदा हो गए दूसरे वाले केस से, पॉइंट नंबर टू से हमारे तीन केस पैदा हो रहे हैं, और तीन केसेस में दो केसेस आइदर ओर और नाइदर ओर के समान है, एक केस डिफरेंस मोड पे जा रहा है कैसे। तीसरा जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कंफ्यूजन डेड सर्टेन है, हर इंसान को होगा, नॉट ओनली राम बट ऑल्सो his classmates उसके सहपाठी आर वैक्सिंग यानी मैंने बता दिया था परेशान करना, पेस्टर का सिमिलर है वैक्सिंग द टीचर्स, केवल राम ही नहीं बल्कि उसके सहपाठी भी टीचर्स को परेशान कर रहे हैं, परेशान करना वैक्स। यहाँ पर तीन कहानियां पैदा हुई, ये तीन कहानियां आइदर ओर नाइदर ओर और नॉट ओनली बट ऑल्सो में आप एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, जो कहानी आइदर ओर नाइदर ओर में दो कहानियां इनकी एक जैसी है, एक कहानी में डिफरेंट मोड है इनका, और वो तीसरा पॉइंट है एक बार लिख लो फिर इनका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन करते हैं हम। कहानी टिप्सर चाहिए मुझे जो मैंने पढ़ा दिया वो कहानी टिप्सर चाहिए, ऐसा नहीं अब याद करेंगे, ये वर्ड मेरे क्लास में ना है ना होगा, क्लास में तैयार, मैटर इज ओवर। तो आपने तीन कहानियां बनाई कल की तरह, एक करता यदि दो काम करता है करेगा एक साथ तो नॉट ओनली बट ऑल्सो वाक्य के आखिर में जाता है। दूसरा केस जो आपने आइदर ओर में भी डिस्कस किया नाइदर ओर में भी डिस्कस किया, दो करता एक साथ कोई काम करेंगे
कर रहे हैं, करना चाहिए, कर चुके हैं, वो टेंस का पार्ट है, वो हमने किया है उसका पार्ट है, वो आपका जाएगा यहां पर। पहला पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट है नॉट ओनली राम बट आल्सो हिज फ्रेंड वाज सेटिंग ए हाउस ऑन फायर। केवल राम ही नहीं बल्कि उसका दोस्त भी, दोनों सिंगुलर है, राम भी अकेला, फ्रेंड भी अकेला, तो आइदर ओर और नाइदर डोर की कहानी को फॉलो करते हुए सिंगुलर वर्ब आ गई, वाज सेटिंग ए हाउस ऑन फायर, वो एक मकान को आग लगा रहे थे। वाज आ गया, इज आ जाता, आपका हैज आ जाता, हैज बीन आ जाता, वर्ब की पांचवी फॉर्म आ जाती, जो भी आपका टेंस है उन पांचों में से कोई एक आ जाता, बाकी तो सब कॉमन है, हैड कॉमन है, विल कॉमन है, विल बी कॉमन है, विल हैव कॉमन है, तो वहां जाने से तो कोई मतलब ही नहीं है। इन पांच जगह में परेशानी होती है, वी वन वी फाइव या इज एम आर वी फोर या हैज हैव थर्ड फॉर्म या हैव बीन हैज बीन वी फोर या वाज वर्ब, और बाकी आपकी जो है छह टेंस वो तो कॉमन है, तो वहां तो कोई क्वेश्चन बनेगा भी नहीं और बढ़ाता भी नहीं। दूसरा केस आया नॉट ओनली माई फ्रेंड्स बट ऑल्सो माई नेबर्स बैंक डाउन और रिलाइड ऑन होकस पोकस। केवल मेरे दोस्तों ने नहीं बल्कि मेरे रिश्तेदारों ने भी आपके होकस पोकस तंत्र मंत्र पे भरोसा किया है। हैव आ गया, बहुत अच्छी बात, दोनों कर्ता प्लूरल है, वर्ब प्लूरल आ गई, पहले में दोनों कर्ता सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर आ गई, किसी को आगे लिख दो किसी को पीछे लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप नेबर्स को पहले और फ्रेंड्स को बाद में लिख दो तो भी हैव आएगा, आप फ्रेंड को उधर राम को इधर रख दो तो भी आपका वो जाएगा। तीसरी कहानी नॉट ओनली राम बट आल्सो हिज क्लासमेट्स आर वैक्सिंग द टीचर्स। केवल राम ही नहीं बल्कि उसके सहपाठी भी टीचर्स को परेशान कर रहे हैं। ये कहानी का यू टर्न है, अब आपकी फिर सोच यू टर्न लेना पड़ेगा, आपको जबरदस्त यहाँ पर ग्रामर से बात चेक करनी पड़ेगी। यहाँ पर आर आ गया, बोले सर यहाँ पर क्लासमेट को क्या पहले और राम को बाद में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, ये परमिशन देता है उल्टा लिखने की। यदि आप राम को लिखोगे बाद में तो आर की जगह क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। ये परमिशन आपको आइदर ओर और नाइदर नोर से नहीं मिली थी, ये परमिशन आपको जो है ये देता है कि जो बटासों के साथ आप लिख दोगे, बाई चांस आपने क्लासमेट को पहले और राम को बाद में लिख दिया, लिख सकते हो, कोई मना करने वाला नहीं है। तो यहाँ पर ग्रामर उनसे अलग बोर्ड लेती है कि जो बटासों के साथ लिखोगे उसी के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब आएगी, वो यदि आपने सिंगुलर लिख दिया तो वर्ब सिंगुलर, वो यदि आपने प्लूरल लिख दिया तो वर्ब प्लूरल। आइए समराइज कर देते हैं इस पॉइंट को, समरी बहुत जल्दी याद रहती है। पहला पॉइंट, दो कर्ता एक साथ कोई काम करे, तो वाक्य की शुरुआत नॉट ओनली से, तो वाक्य की शुरुआत नॉट ओनली से होगी, तो वाक्य की शुरुआत नॉट ओनली से होगी, यानी उसके बाद अपने आप ही जिसे कहते हैं कि आपका वो आएगा बट आल्सो आएगा ही। पहला केस, इनके साथ दोनों कर्ता सिंगुलर, तो वर्ब आने वाली वर्ब सिंगुलर, एक वचन, आने वाली वर्ब सिंगुलर। यदि दोनों कर्ता सिंगुलर है, सेम पानी आइदर और को भी याद रखना है, उसको मत भूल जाना। नॉट ओनली सिंगुलर नाउन फर्स्ट प्लस बट आल्सो सिंगुलर नाउन सेकेंड, तो यहाँ पर वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। नॉट ओनली के साथ यदि पहली सिंगुलर नाउन है तो दूसरी और सिंगुलर नाउन टू है, कोई सी भी हो सकती है, तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। दूसरा पॉइंट, इनके साथ दोनों ही प्लूरल हैं, इनके साथ यानी इनके साथ उसको भी घुमाते रहना, उन दोनों को भी, दोनों कर्ता प्लूरल हैं, बहुवचन हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो वाले प्लूरल हैं, तो वर्ब प्लूरल, यानी वही कहानी जो वो उस दोनों को साथ में लेके चलना है, इससे रोटेशन अच्छा होगा, आपका प्लूरल नाउन नंबर फर्स्ट प्लस बट आल्सो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन प्लूरल नाउन नंबर सेकेंड, वर्ब अल्टीमेटली कैसी आ गई? प्लूरल आ गई। और सेम कहानी आइदर ओर और नाइदर ओर में लागू होगी, उनको भी दिमाग में रोटेशन रखना कि ये दो रूल तीनों में सेम है, वो उनका पड़ोसी है तो दो रूल को तो फॉलो करता है,
आइदर और में भी ये लगेगा, नाइदर नोर में भी ये लगेगा। तीसरी कहानी इसकी यूटर्न लेती है, यदि एक कर्ता सिंगुलर और दूसरा प्लूरल हो। एक कर्ता सिंगुलर और दूसरा प्लूरल हो, एक कर्ता सिंगुलर और दूसरा प्लूरल हो, तो जो बट आल्सो के साथ आएगा, जो भी बट आल्सो के साथ आपने लिख दिया, बट आल्सो के साथ आएगा, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, बट आल्सो के साथ आएगा आएगा, उसी के अनुसार वर्ब आएगी। तीसरे पॉइंट को वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, साथ आएगा उसी के अनुसार वर्ब आएगी, उसी के अनुसार जो भी वो है सिंगुलर है तो वर्ब आएगी। ये तीसरा पॉइंट दिमाग में प्रिंट कर लेना, क्वेश्चन घूमता है तो यहीं से घूमता है और गलत होकर जाता है, ये सबसे बड़ी बात है। नॉट ओनली के साथ कोई नाउन है, कोई भी नाउन है, सिंगुलर है प्लूरल है भी नहीं पता, एंड वन कोई भी नाउन है, बट आल्सो के साथ भी कोई नाउन है, बट आल्सो के साथ भी कोई नाउन है, सिंगुलर है प्लूरल है कुछ भी हो सकती है नाउन नंबर टू, तो जो भी वर्ब आएगी इस कहानी में वो बट आल्सो के अकॉर्डिंग आएगी। इसको देखना है और किसी को नहीं देखना। रिवर्स करने की परमिशन, उल्टा लिखने की परमिशन आपको आइदर और नाइदर और में नहीं थी। आज का तीसरा शानदार रूल, नॉट ओनली बट आल्सो की कहानी आइदर और को कोरोबरेट करती है, दो कर्ता एक साथ कोई काम करे तो वाक्य की शुरुआत में नॉट ओनली बट आल्सो आएगा। यदि दोनों कर्ता सिंगुलर है तो तीनों में एक ही रूल, आइदर और नाइदर नोर और नॉट ओनली में वर्ब सिंगुलर, आगे पीछे लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इनके साथ दोनों कर्ता प्लूरल वर्ब प्लूरल, आगे पीछे लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और यदि एक कर्ता सिंगुलर और दूसरा प्लूरल है तो जो बट आल्सो के साथ आएगा, जो बट आल्सो के साथ आएगा उसके अकॉर्डिंग हमारी वर्ब आएगी। यदि बट आल्सो के साथ सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, बट आल्सो के साथ प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। दो कहानियां आइदर और, ये तीनों को एक साथ ही पढ़ना है आपको, आइदर और नाइदर नोर नॉट ओनली बट आल्सो, आइदर और नाइदर नोर एक घर में रहते हैं, नॉट ओनली बट आल्सो इनका पड़ोसी है, इतना सा यार। आइदर और पूर्णतः सकारात्मक है, उनमें पूर्णतः पॉजिटिव है, नाइदर नोर पूर्णतः नेगेटिव है। नॉट ओनली बट आल्सो में एक कर्ता एक साथ दो काम करेगा या दो कर्ता एक साथ कोई एक काम करेगा, एक कर्ता एक साथ दो काम करेगा तो नॉट ओनली बट आल्सो वाक्य के आखिर में आएगा, और दो कर्ता एक साथ एक कोई काम करेगा तो नॉट ओनली वाक्य के शुरू में आएगा। मैं केवल आपको पढ़ाई दे रहा हूं बल्कि मैं पानी भी पी रहा हूँ, साइमल्टेनियसली होता है काम। आई एम नॉट ओनली टीचिंग यू बट आल्सो ड्रिंकिंग वाटर, मैं केवल आपको पढ़ाता ही नहीं हूँ बीच में पानी भी पी लेता हूँ। आई नॉट ओनली ड्रिंक वाटर बट आल्सो टीच यू, कुछ भी कर सकते हैं, जो भी आपको पढ़ाऊंगा नहीं तो बिल आ जाएगा। यदि दो कर्ता एक साथ काम करें, दोनों सिंगुलर है वर्ब सिंगुलर, आइदर और नाइदर और की सेम कहानी। दोनों कर्ता प्लूरल है वर्ब प्लूरल, आइदर और नाइदर और की सेम कहानी। और तीसरे में दोनों में डिफरेंस, वो कहता है मैं अलग रूल पे जाता हूँ, ये कहता है मैं अलग रूल पे जाता हूँ, जाओ हमें क्या लेना, पड़ोसी है भाई तो है नहीं। यदि यहाँ पर एक कर्ता सिंगुलर और एक प्लूरल हो तो जो बट आल्सो के साथ आएगा उसी के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, वो यदि सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर और वो यदि प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। तो फ्रेंड्स आज की कहानी क्लियर एकदम, आइए अब पेपर को डिस्कस कर लेते हैं। आज आपने नोट्स उधर पढ़ा, हमारी एनएस पढ़ा, और पेपर है आपके पास, पेपर है, पेपर में इतने अच्छे क्वेश्चंस डाले थे, ठीक है फिर कहानी गौर बढ़ा देते हैं थोड़ा सा और इसको खत्म कर देते हैं ये वाली कहानी। क्लियर क्लियर चले आगे, चलिए देखिए। अब कहता है छोटे से हमारी पार्ट एक, मैंने आपको लिख दिया, मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया आई एम सो पुअर, आई एम सो पुअर ब्लैंक स्पेस, आई एम सो पुअर ब्लैंक स्पेस, आई कैन नॉट डिपोजिट माई फीस, आई कैन नॉट डिपोजिट, आई कैन नॉट डिपोजिट माई फी। इसी वाक्य को मैंने दूसरी तरह से लिख दिया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं सबके सामने ये बोलूं कि मैं अपनी फीस जमा नहीं करा सकता, थोड़ा सा इंप्रेशन का काम है, तो मैंने दूसरी साइड से बोल दिया आई एम टू पुअर, आई एम टू पुअर खाली जगह टू डिपोजिट माई फीस, आई एम टू पुअर मैं इतना गरीब हूँ टू डिपोजिट माई फीस।
दोनों में क्या डिफरेंस है और दोनों कहां से कवर हो रहे हैं, ये आपको अभी थोड़ा सा वो करना है। आई एम सो पुअर, खाली जगह आई कैन नॉट डिपोजिट माई फीस। आई एम टू पुअर टू डिपोजिट माई फीस, पहला जो वाक्य है वो कहां से कवर हुआ, दूसरा जो वाक्य है वो कहां से कवर हुआ, इसकी ग्रामेटिकल पावर क्या है, उसकी ग्रामेटिकल पावर क्या है, दोनों में डिफरेंस कर लेना, बहुत अच्छा ग्रामर का पॉइंट है। कोई क्वेरी? चलिए दोनों में क्या डिफरेंस है बताइए, पहला कहां से कवर होगा, दूसरा कहां से कवर होगा। हाँ इसमें सो, ठीक है, तो सो के बाद क्या लिखूं मैं उस ब्लैंक स्पेस में जिससे मेरा वाक्य पूरा हो जाए, क्या लिखोगे? सो से क्या लिखूं आगे कि मैं कंजक्शन में रह जाऊं और मेरा अर्थ पूरा हो जाए, दोनों वाक्यों का एक ही मतलब है लेकिन अलग अलग गांव में रहते हैं, ये काम इनका अलग अलग है। सो के बाद आपने दैट भरा, आपका वाक्य पूरा हो गया सो दैट, और यहाँ पर टू प्लस वी वन ये एडवर्ब में रहता है, ये कहानी एडवर्ब से पैदा होती है लेकिन क्वेश्चन बनता है ये कंजक्शन से पैदा होता है, मतलब दोनों का एक ही है। मैं बहुत कमजोर हूं, मैं चल नहीं सकता, आई एम टू वीक टू वॉक, और आई एम सो वीक दैट आई कैंट वॉक, यानी यहाँ पर आपका यदि इसको यूज कर रहे हो तो आपको कैन नॉट लगाना पड़ेगा या कुड नॉट लगाना पड़ेगा। यदि वाक्य पास्ट का है, पास्ट में क्वेश्चन घुमा जाता है, आई वॉज सो सिक, मैं इतना बीमार था दैट आई, खाली जगह है वॉक, बताइए कौन सा मॉडल आएगा, मैंने क्वेश्चन भी घुमा दिया। आपने वो चीज प्रेजेंट में लिखी तो आपने कैन नॉट को यूज किया, वो चीज मैंने पास्ट में लिख दी तो कौन सा मॉडल घूमेगा यहाँ पर, कुड नॉट, बिल्कुल सही है, आपने वो दे रखा है, मैं इतना बीमार था कि मैं चल ही नहीं सका, आई कुड नॉट वॉक। ये तीन कहानियां एक साथ पैदा हुई और तीनों में बहुत जबरदस्त ग्रामेटिकल पॉइंट है। यहाँ पर देखिए सो ने कारण बताया, दैट ने उसका परिणाम बताया, तो आपको सो दैट के साथ एक ही गेम खेलना है कि सो हमेशा कारण बताएगा, कोई भी कारण, कारण बताएगा और दैट उसका परिणाम बताएगा, जो भी परिणाम है दैट उसका परिणाम बताएगा, जो भी परिणाम है परिणाम बताएगा, पहली चीज। यदि वाक्य प्रेजेंट में है तो कैन नॉट आता है जनरली, और वाक्य यदि पास्ट में है ये ऐसे भी घूमता है, कभी यहाँ पर कुड नॉट दे देता है तो ये पूछ लेता है, कभी ये दे देता है तो ये पूछ लेता है, कभी इसको दे देता है तो ये पूछ लेता है, ये देकर ये पूछ लेता है, कहानी घुमाना तो उसका काम है, और कहानी जितनी घूमती हुई आती है, वर्डिंग होती हुई आएगी, उतना फायदे भी रहोगे। मैं अभी भी बताऊँ, पेपर जितना टफ इंग्लिश का उतने सफलता के चांसेस ब्राइट, जितना इजी पेपर फिर मजा नहीं, फिर तो सब बराबर हो जाएंगे। सो हमेशा कारण बताएगा, दैट उसका परिणाम बताएगा, सो के बाद हमेशा हमेशा दैट आएगा, वो बीच भी दे देता है, बोले बीच भरने को कहो, आपको क्वेश्चन भी कहूंगा इतना घूमते हो आप लेकिन पेपर ही लोड नहीं हुआ तो गड़बड़ है। सो के बाद हमेशा दैट आएगा, वाक्य प्रेजेंट में है तो कैन नॉट, वाक्य वर्तमान में है तो कैन नॉट, यानी मैं इतना गरीब हूं, इतना मैं बीमार हूं, इतना मैं कमजोर हूं, मैं इतना डफर हूं कि मैं ये अंग्रेजी नहीं पढ़ सकता, आई एम सो डफर दैट आई कैन नॉट रीड दिस इंग्लिश, जो भी है तो कैन नॉट आएगा। और यदि आपका वाक्य पास्ट में है, यदि वाक्य भूतकाल में है, वाक्य पास्ट में है, वो कोई सा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कुड नॉट देके आपसे वॉज पूछेगा, वॉज देके कुड नॉट पूछेगा, सो देके दैट पूछेगा, दैट देके सो पूछेगा, वाक्य पास्ट में है तो वहां पर कुड का प्रयोग होगा, कुड नॉट ही आएगा, कुड नहीं आएगा, कुड नॉट प्लस वी वन आएगा। और वैसे भी कह चुके हैं कुड एक भूतकाल का मॉडल है, पहले ही कहानी क्लियर करो, टू प्लस टू वी वन पे भी क्वेश्चन आएगा। ग्रामर पढ़ लिया तो थरोली पढ़ो, आधी ग्रामर पढ़ने से कोई बेनिफिट नहीं है। सो दैट भूतकाल और वर्तमान, एटी % लोगों को तो ये पता नहीं होता क्वेश्चन आया कहां से है, क्या क्वेश्चन करेंगे, ग्रामर का कौन सा पार्ट कवर हो रहा है, आधा तो यही नहीं पता होता, क्वेश्चन करना तो दूर की बात है। आपने सोदेट और सदेट की कहानी पढ़ ली तो फिर दूसरी कहानी क्या है, ये कहानी कहां से पैदा होती है, टी डबल ओ टू,
ये वही वाला टू है, लड़का कहता आई लव यू, लड़की कहता आई लव यू टू, वही वाला टू है, समझ गए ना, वही वाला टू है ये, वो लड़का आई लव यू टू, ये वही वाला टू है, ये भी तीन जगह काम करेगा, आज एक जगह बता देता हूँ मैं, एक ही जगह काम कर देगा, ये भी तीन जगह काम करेगा। इस टू की बड़ी खतरनाक कहानी है, वो क्यों बोलती है TOO, वो ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलती है टू, उसकी वजह है, बात मजाक की नहीं है। TOO, पहला ये नकारात्मक शब्द के साथ आता है, पहला पॉइंट नकारात्मक शब्द के साथ ही आता है, नकारात्मक शब्द के साथ आता है पहला पॉइंट। जैसे आज बहुत गर्मी है तो आप बोलोगे सर टू डेज टू हॉट, टू हॉट। कोई बद सूरत है टू अगली, कोई डफर है टू डफर, कोई हद से ज्यादा बेईमान है टू डिजन। और कभी भी आपने ये वर्ड जो है, या कोई खूबसूरत है तो वहां पर वेरी आएगा, इसका दुश्मन वेरी ब्यूटीफुल। कोई सुंदर है आप उसको सुंदर बताना चाहते हो गुलाब को, तो वेरी ब्यूटीफुल। और यदि आप किसी को बदसूरत बताना चाहते हो तो टू अगली, पहला पॉइंट जो जनरल जिंदगी में भी काम आएगा, जनरल लाइफ में भी काम आएगा, वेरी ब्यूटीफुल आता है ना। आज तक आपने यहाँ टू ब्यूटीफुल नहीं आएगा और यहाँ पर वेरी अगली नहीं आएगा। यदि कोई यूज करता है तो ग्रामर का वॉयलेशन करता है, सीधी सीधी बात है और कुछ नहीं करता है। पहला काम ये नकारात्मक शब्द, ऐसे गर्मी बहुत ज्यादा तो इट इज टू हॉट, यार यू आर टू डफर, शी इज टू अगली, कुछ भी है वो आपका वेरी और ब्यूटीफुल का, ये भी एडवर्ब है वो भी एडवर्ब, TOO का यूज। और दूसरा यूज, यदि TOO के बाद, TOO के बाद टू प्लस वी वन आए, इसको इंफिनिटिव कहते हैं, टू प्लस वी वन आए तो वाक्य नकारात्मक होगा, बिना नोट के, देखो नोट नहीं है, नकारात्मक होगा, टू नकारात्मक होगा, टू के बाद टू प्लस वी वन आए तो वाक्य नकारात्मक होगा, सीधी सी बात है, और नॉट का प्रयोग नहीं होगा, नॉट बिना इज्जत बच जाती है, नॉट का प्रयोग नहीं होगा। एक तो आपने कहा सर आई एम सो पुअर दैट आई कैन नॉट डिपॉजिट माई फीस, सबको पता चल गया पूरी भारतीय जनता पार्टी को, यार फीस जमा नहीं कराएगा। और एक आपने बोला सर आई एम टू पुअर टू डिपॉजिट माई फीस, किसी की समझ भी नहीं आई कि जमा कराना चाहता है कि नहीं जमा कराना चाहता, इज्जत रह गई हमारी। तो आपने कहा टू के बाद नकारात्मक शब्द आएगा और नॉट का प्रयोग नहीं होगा, कैसे? टू के बाद नकारात्मक शब्द, टू के बाद नकारात्मक शब्द कैसे? और यदि का एक और भाई है वो भी लिख लो, यदि किसी अच्छी चीज को और अच्छा बताना हो, किसी अच्छी चीज को और अच्छा बताना हो तो फेयरली का यूज करते हैं, और किसी बुरी चीज को और बुरा बताना हो तो रादर का यूज करते हैं। लिख लेना ये भी जिंदगी में काम आएगा, रादर टू का भाई है और फेयरली का भाई वेरी है। गुलाब का फूल बहुत सुंदर होता है, रोज फ्लावर इज फेयरली ब्यूटीफुल, रोज फ्लावर इज फेयरली ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल को फेयरली ब्यूटीफुल एक ही मतलब है। अच्छी चीज को और अच्छा बताना हो तो फेयरली आएगा, बुरी चीज की और बुराई करनी हो तो TOO या रादर आएगा। और हमने कहा कि नकारात्मक शब्द के साथ आएगा प्लस इसके बाद टू प्लस वी वन कर दो तो पूरा सेंटेंस बिना नोट के ही नकारात्मक हो जाएगा, कैसे? ही इज टू फैट, इट इज टू फैट, वो इतना मोटा है, टू ज्वाइन द आर्मी, आर्मी ज्वाइन करने के लिए, टू ज्वाइन द आर्मी, आर्मी से पहले दे आएगा, लेजिस्लेचर से पहले दे आएगा, नेवी से पहले दे आएगा, एयरफोर्स से पहले दे आएगा। ही इज टू फैट टू ज्वाइन द आर्मी, वो इतना मोटा है आर्मी ज्वाइन करने के लिए, यानी कुल मिलाकर, और सो दैट से बनाओ इसको, इसी को सो दैट से बना दो, ही इज सो फैट दैट ही कैन नॉट ज्वाइन द आर्मी, यानी आपने बिना नोट के ही वाक्य को क्या कर दिया, नेगेटिव कर दिया, बिना नोट का यूज नहीं हुआ है फिर भी वाक्य को नेगेटिव कर दिया। तो ये टू और टू की कहानी, या तो ये देखकर ये पूछ जाता है, या ये देखकर ये पूछ जाता है, सो देखे दैट पूछ जाता है, दैट देखे सो पूछेगा, कहानी घूमेगी। और ये हमारी जनरल जिंदगी में भी काम आएगा, किसी अच्छे शब्द को, पॉजिटिव शब्द को और अच्छा बताना हो तो वेरी और फेयरली बताएंगे, किसी बुरी चीज को, निगेटिव चीज को और बुरा बताना हो तो टू और रादर को यूज करेंगे। जैसे बहुत सब गर्म है आजकल तो आप ये यूज कर सकते हो, सर टुडे वेदर इज रादर हॉट, ये भी ठीक है, टुडे वेदर इज टू हॉट, ये भी ठीक है, और बारिश हो गई बहुत जोरदार, कैट सेंड डॉग सेंड, उस दिन अपन क्या बोलेंगे, सर टुडे इज वेदर इज फेयरली कोल्ड, बारिश हो गई शानदार वाली तो फेयरली कोल्ड हो जाएगा, वेरी कोल्ड हो जाएगा।
क्लियर। एक पॉइंट और लिख लो, लेस्ट और शुड वाला जो पॉइंटों में खत्म हो, लेस्ट के बाद हमेशा शुड आएगा और शुड से पहले हमेशा लेस्ट आएगा। लेस्ट का मतलब होगा, लेस्ट का मतलब होगा नहीं तो, नकारात्मक है। इसके बाद हमेशा शुड आएगा, इसके बाद हमेशा शुड आएगा, हमेशा शुड आएगा। ये क्वेश्चन बनाता है काफी बार, बनाए नहीं बनाए। देखो दोस्तों, फ्रेंड्स, नॉलेज आपकी टिप्स पर होनी चाहिए। आप सोचो काम चल जाए वो नॉलेज दे दो, काम तो चल जाएगा लेकिन यहाँ काम चला के क्या करोगे, अभी तो दो गेट बाकी है। या काम भी चल गया तो कौन सा तीर मार लेंगे, आपका जो बीच वाला गेट है वो बड़ा खतरनाक है। इसके बाद हमेशा शुड आएगा, क्योंकि प्री पास करना आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, आपका ऑब्जेक्ट है वो लास्ट पॉइंट, वो लास्ट मंजिल तक जाके क्रैक करना, वहीं से रिजल्ट आएगा, नहीं तो फॉर्म नहीं भरा, प्री पास नहीं की, बराबर है। लेस्ट का मतलब होगा नहीं तो, इसके बाद हमेशा शुड आएगा। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लेस्ट प्लस शुड यानी आएगा, यानी पक्की दोस्ती, नहीं आएगा यानी नो, बस इससे बाहर इसकी ग्रामर जाती नहीं। या तो ये भरवाने की कोशिश करेगा गलत है, ये देखकर ये भरवाने की कोशिश करेगा ठीक है, ये देखकर ये भरवाने की कोशिश करेगा ठीक है, कोई हमें दिक्कत नहीं है। एक एग्जाम्पल, छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं। रन फास्ट तेजी से भागो, लेस्ट यू शुड बी श्योर ट्रेन, नहीं तो तुम्हारी ट्रेन मिस हो जाएगी। लेस्ट यू शुड मिस योर ट्रेन, कुछ भी, वर्क हार्ड। फास्ट, एक चीज और बता दूं, इसमें भी ग्रामर घूमती है, फास्ट और फर्स्ट, फास्ट और फर्स्ट, ये दो ऐसे पॉइंट है जिनमें कभी एलवाई नहीं आता है। फास्टली, जैसा कई लोग बोलते हैं फास्टली, फास्टली पार्क में भी देखता हूँ तो कई माताएं अपने बच्चों को बोलती है रन फास्टली, अब उनको नहीं पता फास्टली में एलवाई नहीं आता है। हाँ, इसका अपोजिट है स्लो, वो एलवाई लेगा, धीरे से भागो, स्लो आपका एलवाई लेगा, फास्ट आपका एलवाई नहीं लेगा। लेस्ट के साथ हमेशा शुड आएगा, इसके साथ नॉट नहीं आएगा। क्यों नॉट नहीं आएगा, क्योंकि लेस्ट में निगेटिव भाव शामिल है। इससे पहले जो आपने वर्ड किए जिनको नॉट से कट्टर दुश्मनी है, अंटिल किया, अनलेस किया, लेस्ट किया, डिनाई के साथ नॉट नहीं आएगा और फॉरबिड के साथ नॉट नहीं आएगा। फॉरबिड को हम डायरेक्ट में पढ़ेंगे, वहां पर वो क्वेश्चन बनाने में बहुत एक्सपर्ट है। लेस्ट के साथ शुड आएगा, नॉट कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि लेस्ट में निगेटिव भाव शामिल है और मॉडल मे, माइट, वुड, कुड कोई सा भी नहीं आएगा, शुड का प्रयोग होगा। क्लियर आज का सेशन, एक बार मन में रिपीटेशन, सिर्फ 5 मिनट का भी नहीं, 3 मिनट का रिपीटेशन। यदि वाक्य में नो सूनर आ जाए तो क्या देखना है, इन्वर्जन का प्रयोग होगा, यानी हेल्पिंग वर्ब पहले होगी और कंजक्शन टी एच देन आएगा। यदि वाक्य में हमारी एनएसएस आ जाए, हार्डली, नेवर, स्कार्सली, सेल्डम, ये आ जाए तो किस बात को ध्यान रखना है, इन्वर्जन आएगा और कंजक्शन वहन आएगा, डब्ल्यू एच ई एन। और जो भी आप टेंस में लिख रहे हैं उसकी हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखेंगे। यदि वाक्य में एक कर्ता एक साथ दो काम करे तो किस कंजक्शन को बुलाओगे, नॉट ओनली बट आल्सो को। वाक्य के कहां पर रखोगे, आखिर में, वाक्य के आखिर में रखोगे। मैं केवल कॉफी नहीं पीता बल्कि चाय भी पीता हूँ, आई ड्रिंक नॉट ओनली कॉफी बट आल्सो टी। दो कर्ता एक साथ काम करे तो नॉट ओनली इससे वाक्य शुरू होगा। दोनों कर्ता सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, दोनों कर्ता प्लूरल, वर्ब प्लूरल, दोनों कर्ता एक कर्ता सिंगुलर और एक प्लूरल हो तो जो बटालसो के साथ आएगा उसके अकॉर्डिंग हमारी वर्ब आएगी। पहले जो दो पॉइंट है आइदर और नाइदर और के समान थे, तीसरा जो पॉइंट है वो थोड़ा सा अलग अंतर पे चल रहा है, वो अलग अंतर पे जाएगा। फिर कहानी गई सो दैट के पास, सो ने कारण बताया, दैट ने उसका परिणाम बताया। मैं इतना बीमार हूं कि मैं आपको नहीं पढ़ा सकता, आई एम सो सिक दैट आई कैन नॉट टीच यू। मैं इतना बीमार था कि मैं आपको पढ़ा नहीं सका, आई वॉज सो सिक दैट आई कुडंट टीच यू। देखो हर चीज का कनेक्शन है, मॉडल से ग्रामर का कनेक्शन ले रही है, फंडामेंटल शुड बी क्लियर। फंडामेंटल क्लियर नहीं है तो घूमते रहो, कोई मतलब नहीं, फॉर्मेलिटी है फॉर्मेलिटी, मैं बिलीव नहीं करता। फिर आपसे मिलने आया, टू और टू प्लस वी वन, टी डबल ओ टू का मतलब होता है जब कोई वाक्य, कोई वर्ड नकारात्मक है, कोई वर्ड निगेटिव है, उसको और निगेटिव करना है तो टी डबल ओ टू का प्रयोग होगा।
कोई वर्ड पॉजिटिव है तो उसको और पॉजिटिव करना है, तो वेरी का प्रयोग होगा, फेयरली वेरी का भाई है और राधर टू का भाई है। फिर उसके बाद TOO के बाद आगे टू प्लस V1 दे रखा है तो वो वाक्य बिना नोट के नकारात्मक हो जाएगा, बिना नोट के नकारात्मक हो जाएगा। मैं इतना थका हुआ हूं कि मैं आपको नहीं पढ़ा सकता, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं इतना थका हुआ हूं। मैं सो दैट से नहीं वाक्य बना रहा, आई एम टू फैटिक, आई एम टू टायर्ड टू टीच यू। मैंने आपको मना भी नहीं किया और इनडायरेक्टली आपको मना भी नहीं, सर सो दैट से बना लो को इधर कंजक्शन में जाके बनाओ, इधर इधर आके बनाओ, दोनों में टू प्लस बी वन और सो दैट आपका खुद नेगेटिव वाक्य को शो करने वाला है। सो के बाद हमेशा दैट आएगा, सो कारण को बताएगा, दैट परिणाम को बताएगा। सच में भी दैट ही आता है, लेकिन सच दैट का यूज कम होता है, सो दैट का यूज काफी होता है। सो दैट आपका कारण बताएगा, कारण परिणाम कंजक्शन है सो दैट। लेस्ट के बाद हमेशा शुड आएगा, शुड से पहले हमेशा लेस्ट आएगा, लेस्ट के बाद कभी भी नोट नहीं आएगा। फ्रेंड्स क्लियर आज का सेशन? बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल रिवर्स में हमारी काउंटिंग चल रही है, इसलिए इस चीज को यहीं पर मतलब क्लास में तैयार कर लेना, घर के लिए इतना टाइम नहीं है। घर पे आप वो पढ़ो, लो पढ़ो, हिंदी पढ़ो, और मैं जितने नोट्स हैं उनके इतना ब्रीफ कर दूंगा कल वाले नोट्स। क्लियर, इससे बाहर नहीं जाएगा, इससे बाहर में कह रहा हूँ क्वेश्चन नहीं जाएगा।